केजरीवाल खंभे पे चढ़ करके रात को 12 बजे कटिया लगा के बिजली की कटाई करते थे। जितने जितने ट्रांसफार्मर 2015 से पहले दिल्ली के अंदर लगे हुए थे, लगभग उससे उसके डबल ट्रांसफार्मर हमने 7 साल के अंदर हमने लगाए हैं दिल्ली के अंदर। तो ये कोई छोटी व्यवस्था नहीं है, छोटी व्यवस्था नहीं है कि दिल्ली के अंदर जगह देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं उनको इनसे पूछिए, ट्रांसफार्मर जो है कोयले से चलता है और बिजली का प्रोडक्शन करता है, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन की बात बता रहा हूँ आपको, जो आप दिल्ली के अंदर छोड़ के बिजली निर्माण पे तो जवाब नहीं हुआ ना। ए के मिश्रा साहब भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिश्रा जी, आपने तो लंबे समय तक देखा है ये समस्या, ऐसा तो नहीं कि अचानक आ गई है कोयले की समस्या, बिजली की मांग, ये तो हमेशा आबादी बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, गर्मी में विशेष तौर पे बढ़ती है, ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो पहली बार हो गया, पहले नहीं होता था। लेकिन जो रवैया अपनाया जा रहा है, मैं उस पर आपसे सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगी। आम आदमी पार्टी जो जागती है और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जागती है, फिर वो कहती है एक दिन का समय, एनटीपीसी बार बार कह रहा है कि नहीं हमें दिक्कत नहीं है, हो सकता है कम ज्यादा चीजें हो जाए, मैनेजमेंट में थोड़ी समस्या हो जाए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैम देखिए, कुछ पत्रकार, कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी हैं ना, अभी प्रॉब्लम श्रीलंका में आई और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बस एक महीने के भीतर इंडिया भी श्रीलंका बनने वाला है। कई पैनिक क्रिएट करने वाली बात आपने, पैनिक क्रिएट करने वाली बात आपने सही की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम श्रीलंका में है और वो उसको बता रहे हैं कि अब इंडिया एकदम श्रीलंका बन गया। अगर आप कुछ फैक्ट पे, अगर हम फैक्ट और फिगर की बात करें पैन इंडिया लेवल पे, तो पिछले 8 से 10 सालों में चूंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने गांव गांव में विद्युतीकरण किया, हर घर में पहुंचाया, तो बिजली की डिमांड और खपत जो है वो दुगनी हो गई। आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, 1.1 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड होती थी, ये 2 लाख को क्रॉस कर गई है। तो एक तरफ तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लगभग 60% जो बिजली का उत्पादन पूरे इंडिया में होता है वो कोयले से रिलेटेड जो विद्युत घर है उन पे होता है। 70% भी स्टेट, हाँ स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट कम है, 26% स्टेट गवर्नमेंट और बाकी के अगर आप देखेंगे तो 50% जो है प्राइवेट सेक्टर करती है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, आप खबरें उठा के देख लीजिएगा, 26,000 करोड़ से ज्यादा कोयले का पेमेंट बाकी है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जो बिजली पर, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं हम फ्री में बिजली देंगे, पंजाब में भगवंत मान बने मुंह उठा के चले आए, 50,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। 3-4 साल पहले खबर ये आई थी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो भटिंडा पावर प्लांट से बिजली पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे। अपने स्टेट में, अपने देश में पूरा नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं कि अगर पंजाब में सरप्लस है तो वो पंजाब की बिजली हरियाणा और दिल्ली में आती है, रिहन डैम की बिजली केवल यूपी में थोड़ी जाती है, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र तक को वो जाती है। तो एक ग्रिड ये बना हुआ है। ये जो पेमेंट कोयले की प्रॉब्लम नहीं है, देखिए कोयला मंत्री ने भी बोला कोयले की प्रॉब्लम नहीं है, कोयला बिजली घरों को अगर नहीं पहुंच पा रहा है और कम पहुंच पा रहा है तो स्टेट वाइज परसेंटेज देखिए और जरा इनसे पूछिए दिल्ली सरकार का कितना पेमेंट बकाया है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनी है जरा वो भी बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने कितना नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे और समस्या का प्रोफेशनल वे में समाधान की कोशिश नहीं करेंगे, केवल हाइप मचाएंगे कि एक घंटे की बिजली बची है, एक दिन की बिजली बची है, इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, मैनेजमेंट में कहीं सिंक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, नेचुरल फैक्टर भी होते हैं, कोई इतना सटीक अंदाज नहीं लगा सकता है कि एकदम गर्मी बढ़ जाएगी, पीक टाइम डिमांड जस्ट 8 से 10 सालों में डबल हो गई है। ठीक है, आपने जो ए के मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी। तमाम राज्यों का मैंने जिक्र किया, देखिए कुल मिलाकर डिमांड और सप्लाई के बीच में आपको बैलेंस बनाना है और वो कैसे बनाना है, वो प्रोडक्शन हो, आपको इंपोर्ट करना हो, हम ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हाल फिलहाल में कुछ डील्स भी चर्चा में है, तो क्या उसके बाद इंडोनेशिया का भी मैं जिक्र करूंगी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को समझने में थोड़ा सा लेट हो गई, जिससे मैं, अगर हम इस चर्चा के हिसाब से देखें जो बीजेपी के मेहमान कह रहे हैं कि राजनीति करने का मौका मिल गया विपक्ष को, लेकिन समस्या तो है ना, कट्स तो लोग झेल रहे हैं ना, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर हम 16 राज्यों का जिक्र करें जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, बड़े राज्य हमारे, तो दिक्कत तो है ना सर। मिश्रा जी आप ये दिक्कत ऐसा नहीं है कि ये केवल इस बार हुआ है, आप इतिहास उठा के देखिए,
पीक टाइम पे लोड शेडिंग हमेशा होती रही है, उसके पीछे कारण बहुत सिंपल है कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हर घर में अब एसी हो रहे हैं, हर घर में कूलर हो रहे हैं, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को उस हिसाब से बढ़ाना इतना तेजी से नहीं हो पाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत किया, बहुत कोशिश कर रही है, 27 गीगावाट के अभी और प्रोजेक्ट जो है नए देश में लॉन्च होने वाले हैं, हाइडल पावर आप देखिए जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। ये संकट थोड़ा सा, और राज्य सरकार में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कि चीजें हो नहीं पाई। मैंने आपको बोला कि कोयले की पेमेंट अगर नहीं हो रही है, 26,000 करोड़ रुपए कोयले की पेमेंट बाकी है वहां नहीं, पर सर हम ये कहें कि ठीक है लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दिया है, उपभोग करना बढ़ा दिया है, तो तैयारियों को तो उसी हिसाब से किया जाएगा ना, तैयारियां उसी हिसाब से होंगी ना सर, है ना। अब मैं ये बात मानती हूँ, एक देखिए एक तर्क दिया गया कि भाई आयात करने में बहुत महंगा हो गया। मैंने परसों भी जब अपनी चर्चा की थी तो डाटा रखा था कि आप पहले मंगाते थे, जब इंटरनेशनल मार्केट का जब हम जिक्र करते हैं, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का मैं जिक्र कर रही थी, आप एक टन मंगाते थे, आपको ठीक है $60 देना पड़ता था प्रति टन, जो कि $200 हो गया, और वो और भी बढ़ गया है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सभी आपकी नीड्स के हिसाब से बिजनेस तो कर ही रहे हैं, सभी मुल्क कर रहे हैं उस लिहाज से। तो कहीं पर इस चीज को समझने में थोड़ा सा लेट हो गया क्या, जो हाई लेवल मीटिंग आज हो रही है सर, जो हाई लेवल मीटिंग आज हो रही है वो पहले भी हो सकती थी क्या, मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूं। देखिए ये हाँ नहीं, ये पहले हो सकती थी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए मिसमैनेजमेंट मैं इसको मान सकता हूं, एक बेटर सिंक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और विद्युत प्रोडक्शन की जो भी कंपनियां हैं उनके बीच जो है एक बेहतर सिंक की कमी का अभाव जो है मैं इसको मान सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए पूरा विद्युत का जो प्रोडक्शन होता है, आपने जो एक चीज बोली कि भाई डिमांड तो बढ़ ही रही है, सबको पता है, फैक्टर यहाँ पे ये है कि डिमांड अगर 3 गुना बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन इतने तेजी से 3 गुना नहीं बढ़ती है, गर्मी में 1 महीने में ही डिमांड एकदम से जंप कर जाती है, क्योंकि वो सिचुएशनल है, हर कितने नए घरों में एसी लगते हैं, कूलर लगते हैं, सब ऑन हो जाते हैं, उसके लिए सरकार ये विद्युत की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, एक बांध देखिए नर्मदा वैली बांध अभी था, कितने सालों से वो पेंडिंग था, अब जाकर के उसका उद्घाटन किया गया है 1-2 साल के पहले, बांध बनाओ तब उसमें विरोध होगा कि नहीं जी बांध नहीं बनाना है, अगर आप कोयले का आयात करो तो उसमें विरोध होगा जी आयात क्यों कर रहे हो, हर चीज पे अगर आपको विरोध करना है और पैनिक क्रिएट करना है तो विकास कहां से होगा, हम सेल्फ सफिशिएंट कहां से होगा, शायद विपक्ष के पास यही एक काम रह गया विरोध करने का, खानापूर्ति तो ऐसे होगी ना जी भाई, हमारे हमारे स्टेट का इतना पेंडिंग है, मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ पेमेंट का, आप हमें एडवांस कोयला भेजिए, ये इस चीज पे बात क्यों नहीं हो रही है, विपक्ष क्यों नहीं गवर्नमेंट को बोल रही है कि अगर कोयले की जरूरत है तो आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा लीजिए, उसमें कोई हायत हवा करने की जरूरत नहीं है। मैं जितने ट्रांसफार्मर 2015 से पहले दिल्ली के अंदर लगे हुए थे, लगभग उसके डबल ट्रांसफार्मर हमने 5-7 साल के अंदर हमने लगाए हैं दिल्ली के अंदर, तो ये कोई छोटी व्यवस्था नहीं है कि दिल्ली के अंदर जगदीश के अंदर ऐसा काम हो रहा है। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं उनको इनसे पूछिए, ट्रांसफार्मर जो है कोयले से चलता है और बिजली का प्रोडक्शन करता है, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन में व्यवस्था की बात बता रहा हूँ आपको, जो आप दिल्ली के अंदर छोड़ के बिजली निर्माण पे तो जवाब नहीं हुआ ना, जो आला दिल्ली के अंदर कांग्रेस छोड़ के गई थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, अभी चंद्रमोहन जी आपको जवाब देंगे, कितना बुरा हाल था, आप तो जादू छड़ी वाले सरकार है, आपको फ्री में बिजली बांट करके आप ये उम्मीद करते हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं है, उसके बाद पहले बिजली कंपनियों के साथ आप लोगों की सेटिंग होती थी आपकी सरकार की, आम आदमी पार्टी ने खत्म किया वो नेक्सेस, आज इसलिए दिल्ली के अंदर बिजली की समस्या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई नहीं रही है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, लगाते थे ना केजरीवाल ने तो राजनीति करनी सिखाई है आप लोगों को, केजरीवाल ने तो राजनीति करनी सिखाई है आप लोगों को, कि कहां से कहां पहुंचा दिया केजरीवाल जी ने आपको, केजरीवाल साहब से सिखाया पंजाब में सिखाया है, बहुत जगह सिखाया, बहुत जगह सीखोगे अभी आपकी सरकार क्या कर रही है, प्रोडक्शन देखिए बगैर प्रोडक्शन को बढ़ाए हुए आप पहली चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं ठीक है नहीं प्लीज, अब एके मिश्रा जी
सबसे बुनियादी सवाल ये कि देखिए, चाहे स्टेट हो, सेंटर हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही, और आम जनता भी, कि वो इस सिचुएशन में इस्तेमाल भी तरीके से करे। मिश्रा जी, अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। ये राजनीति से ऊपर उठकर सोच नहीं पा रहे हैं और आम जनता बेहाल है। इलेक्शन होने इस देश में जरूरी है, तभी शायद जनता के हक में काम हो। आगे आने वाले सालों में भारत को ऊर्जा की बहुत बड़ी जरूरत है, और भारत में ऊर्जा का जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक का भी अपना एक रोल है। इन चारों में जब बेहतर सिंक नहीं होगा, एक तरफ तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है ही, उसका बेहतर प्रबंधन किया जाए, और उसके साथ साथ जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको इतना बढ़ाया जाए कि ताकि एक लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको फुलफिल किया जा सके। और विकास के लिए भी ये जरूरी है कि लॉन्ग टर्म योजना बना के अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। केवल ये बोल देना उन्होंने हमें नहीं भेजा, अरे उन्होंने कोयला नहीं भेजा तो कोयले की पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर स्टेट में होता है, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंक आप लोग बनाएंगे नहीं, सफर उद्योग धंधे और जनता करती है, और चैलेंज आने पे आप उसको संकट बता देते हैं। ठीक है, वक्त